यूपी के चुनावी चक्रव्यूह को भेदने के लिए पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की जोड़ी ने एक नई रणनीति बनाई है। इसमें इन दोनों के सिपह सालार यूपी के चुनावी मैदान में नजर आएंगे। ये चुनाव सिर्फ विधानसभा तक ही सीमित न रह जाए, इसलिए बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं को इस चुनावी मैदान में नई रणनीति के तहत उतार रही है। रणनीति यही है कि किसी भी तरह यूपी का चुनावी चक्रव्यूह भेद दिया जाए और 17वीं विधानसभा का गठन अपने पक्ष में रहकर करवाया जाए। लेकिन चुनौतियों का अंबार लगा हुआ है और विरोधी बीजेपी की रणनीति को समझते हुए अपनी अलग से रणनीति तैयार कर चुके हैं। मोदी कैबिनेट में भी तकरीबन आधे से ज्यादा मंत्री यूपी से ही हैं, यानी जिम्मेवारी अब इन्हीं कैबिनेट मंत्रियों के कंधे पर है कि कैसे भी हो जीत के लिए अपने क्षेत्रों में मेहनत की जाए। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह खुद लखनऊ से सांसद हैं और ऐसे में लखनऊ और आसपास के जिलों में बीजेपी की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी इस बार राजनाथ सिंह के मजबूत कंधों पर रखी गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र देवरिया से सांसद हैं। प्रदेश में कलराज मिश्र की अपनी विशेष पैंट है। इन चुनावों में कलराज मिश्र को अपने इलाके और आसपास के जिलों में बीजेपी का परचम लहराने की जिम्मेदारी दी गई है। दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा गाजीपुर से लोकसभा के सांसद हैं। सूत्रों की माने तो मनोज सिन्हा पर न सिर्फ गाजीपुर बल्कि वाराणसी, मऊ, आजमगढ़ और जौनपुर समेत पूर्वांचल के प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी है। और इस वक्त सीधे आपको रायबरेली ले चलते हैं राहुल गांधी की रैली में।